सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच यू स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज़ द एपिसोड 1 ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड नॉवल बाय अरीत शाह, जिसका नाम है जुनून इश्कम। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आसमान और ज़मीन को लर्जा देने वाले अल्फाज के साथ उसने उसके साथ जुड़ा हुआ 7 साल रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो बेबस सी औरत उस वक्त अपने सामने खड़े उस जालिम और जाबिर शख्स को सुन रही थी। अपने चादर नुमा दुपट्टे को अपने सीने से लगाए अपना आप छुपाती वो अंदर तक लरज चुकी थी। ये वो शख्स था जिसके लिए उसने अपने पूरे ख़ानदान वालों से बगावत की थी और फिर 7 साल के बाद उसके साथ ही यहाँ पाकिस्तान आ गई थी, अपने रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर। 7 साल पहले उस शख्स के निकाह में आकर वो अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उस शख्स ने उसके दिल पर दस्तक दी थी, जिसने आज महज एक गलत फहमी पर उसके साथ जुड़े हर रिश्ते को ख़त्म कर दिया। दिल तड़प रहा था उस संग दिल की बेवफाई पर, जो खुद एतबार न कर सका और उसे बेवफाई का इनाम देने आ पहुँचा। मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, एक बार पूरी बात जान लो, वो उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन अब क्या कुछ बाकी था? नहीं, अब तो कुछ भी बाकी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। बस कीजिए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप वक्त रहते यहां आ गए और आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, लेकिन इस शख्स के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आप जा सकते हैं यहां से, वो उसको देखती मजबूत लहजे में बोली। नहीं, मैं समझाऊंगा, ये गलतफहमी का शिकार है, तीसरे वजूद ने समझाना चाहा। समझने समझाने के तमाम मराहिल से गुजर चुके हैं, आपका एहसान शायद कभी नहीं उतार पाऊंगी, और आपका भी। आज मोहब्बत का असली चेहरा देखकर तकलीफ के साथ मुझे खुद पर तरस भी आ रहा है। काश पहले जान जाती कि मोहब्बत के रिश्ते में अगर एतबार की कमी हो तो वह रिश्ता मोहब्बत का नहीं होता। अब मेरे लिए फैसला और भी आसान हो गया है शाह साहब, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। अपने वजूद से चादर मजबूती से लपेटते हुए उसकी आंख से एक आंसू गिरा था, फकत एक आंसू। हाँ, वो उस शख्स के लिए अपना आप जाया नहीं करना चाहती थी, कि उसे जीना था अपने बच्चों के लिए। वो एक बहादुर औरत थी, अगर अपनी मोहब्बत के लिए अपने खानदान से लड़कर बगावत कर सकती थी तो अपने बच्चों के लिए अपनी मोहब्बत के टुकड़ाने पर उसे कोई एतराज ना था। तुम्हारे बच्चे? कौन से तुम्हारे बच्चे? वो मेरे बच्चे हैं और मेरे साथ रहेंगे, तुमसे या तुम्हारे गलीज नापाक वजूद से मेरे बच्चों का कोई नाता नहीं। तुम लंदन जाना चाहती हो, शौक से जाओ, लेकिन मेरे बच्चे अब से मेरे साथ रहेंगे। वो तो बाबा जान का हुक्म था कि वो मासूम बच्चों को उनकी माँ से अलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ, चली जाओ अपने यार के साथ, लेकिन खबरदार जो मेरे बच्चों को मुझसे या मेरे खानदान से दूर करने की कोशिश की। मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन तुम निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। वो बेदर्दी से उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगा। तीसरा शख्स बेबसी की तस्वीर बना था, वो उससे हर रिश्ता खत्म कर चुका था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था, ये उनका पर्सनल मैटर था। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने वक्त रहते उसे यहाँ भेज दिया, वरना जाने आज उस औरत के साथ क्या होता। वो उसकी इज्जत बचाने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी उसका घर बचाने में कामयाब ना हो सका। शाह साहब, मेरी बात सुनिए, आप एक बार बात क्लियर कर लें, आपको गलत फहमी हुई है, आप चुप हो जाओ बेगैरत आदमी, मेरी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मनाते हुए शर्म नहीं आई, ख्याल तक ना आया कि ये दो बच्चों की माँ है और अब तुम इसकी सफाइयाँ पेश कर रहे हो। अब समझ में आया कि उसे हवेली से दूर घर क्यों चाहिए था, इसीलिए रहना चाहती थी तू मुझसे दूर, ताकि अपने आशिक से रातों में मिल सके। उसने बेदर्दी से एक थप्पड़ उस सिंफ नाजुक के चेहरे पर दे मारा। इस बार तीसरे वजूद की बर्दाश्त की इंतहा हो गई थी। वो एक तो बेकसूर औरत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और दूसरा उसकी ज़ात को भी बीच में घसीट रहा था।
वो एक गैरतमंद इंसान था, अपनी ज़ात पर ऐसे इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए अब की बार उसे गिरेबान से पकड़ते हुए सीधा किया। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मैं इस मामले को तुम दोनों का ज़ाती मामला समझकर बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, लेकिन तुम धर्मी के लायक ही नहीं हो। तुम एक गंदी जहनीत के मर्द हो, बल्कि तुम जैसे मर्द मेरी नज़र में मर्द ही नहीं। इस मासूम को तलाक देकर या इस पर हाथ उठाकर क्या साबित करना चाहते हो कि बहुत गैरत है तुम में? इसे गालियां देकर, इसे इसके बच्चों से दूर करके क्या हासिल कर लोगे तुम, सिवाय अपनी अना की तस्कीन के? ये तुम्हारी मोहब्बत है जिसमें तुम अपने बच्चों की माँ पर एतबार तक नहीं कर सकते? तुम कहते हो ये तुम्हारे लायक नहीं है। सच तो ये है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम अपनी जात ऊंची रखने वाले उन मर्दों में से हो जो औरत को बेकसूर जानकर भी उसे इसलिए सजा देते हैं कि अगर वो झुक गए या अपनी गलती मान ली तो उनकी अना को ठेस पहुंचेगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम जैसे मर्द कभी अपनी हार को कबूल नहीं कर सकते, और तुम भी कबूल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी हार ये है कि तुमने खुद अपनी आँख पर काली पट्टी बांध ली है, जिसकी वजह से तुम इस औरत की बेगुनाही को देख नहीं पा रहे हो। लेकिन आने वाली ज़िंदगी के एक एक पल में तुम इस लम्हे को पछताओगे जब तुमने इस औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। और खबरदार, जब तुमने इस पर दोबारा हाथ उठाया, इसे तलाक देकर इससे हर रिश्ता तुम ख़त्म कर चुके हो। वो उसे धक्का देकर पीछे करता अब उस लड़की के सामने आ गया, जो हैरानगी से उसे देख और सुन रही थी। जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक अनजान हूँ, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुमसे बस इतना कहूँगा कि एक अनजान होकर भी मैं तुम्हारी इज्जत का रखवाला हूँ, तुम्हारा मुहाफिज हूँ। मैं वादा करता हूँ ये शख्स तुमसे तुम्हारे बच्चों को कभी भी छीन नहीं पाएगा। क्या तुम मुझ पर एतबार करके मेरे साथ आने को तैयार हो? वो उसकी आँखों में आँखें डाले सवाल कर रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है। वो तो बस उसे मुसीबत में देखकर मदद करने आया था, लेकिन शायद अल्लाह ने उसे उसी के लिए चुन लिया था। एक तरफ उसका महबूब, उसका शौहर, उसका प्यार, उसका सब कुछ था जो उस पर एक लम्हे को भी एतबार न कर सका, और दूसरी तरफ ये शख्स था जिसने उसे आज बेआबरू होने से बचा लिया, और एक अनजान होने के बावजूद उसकी मदद करने को तैयार था। उसे किसी सोच में गुम देखकर उसने दो कदम आगे बढ़ाए तो उसे अपने पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ सुनाई दी, और साथ साथ घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़। उसने मुड़ कर देखा तो वो अपने दुपट्टे से अपना आप छुपाती अपने आंसू साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके हवाले किया, जिस पर उसने एक नज़र उसके चेहरे को देखकर रुमाल थाम लिया। उसका दिल धड़क रहा था, उसे पीछे देखने पर मजबूर कर रहा था। वो कहर बरसाती नज़रों से उन्हें जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। आज वो रिश्ता ख़त्म करके आगे की तरफ कदम उठा चुकी थी, एक ऐसे शख्स के हमराह जिसका नाम तक वो नहीं जानती थी। देखो लाला, सवाल को बहुत गौर से सुनो, वो उसे बहुत प्यार से समझा रहा था। आप मुझे लाडो कहकर सवाल समझाएं, लाला कहेंगे तो फिर मुझे भाई वाली फीलिंग्स आएंगी, और फिर जब मुझे भाई वाली फीलिंग्स आएंगी तो मुझे आप पर बहुत सारा प्यार आएगा। अद्दा, यू नो ना, आई लव यू सो मच। वो आंखें पटपटाती उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, लेकिन वो अपने चेहरे पर संजीदगी लाता उसे फोकस करने को कह रहा था। हाँ लाडो मेरी जान, आई लव यू टू, लेकिन दो दिन के बाद तुम्हारे पेपर्स होने वाले हैं, और अल्लाह का वास्ता है इस बार सप्ली मत लेना, चलो पढ़ाई करो। वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए बोला। लाली मुस्कुराहट छुपाते हुए अपने होठों पर उंगली से जिप करती अब खामोश रहने का वादा करने लगी, जबकि स्नेहा तो कब से अपने पेपर पर झुकी अपना काम करने में मसरूफ थी। अच्छा, सवाल यह है कि 10 लोगों ने आम के दरख्त से 4 दिन में 1000 आम उतार लिए, तो 20 लोग 4 दिन में कितने आम उतारेंगे? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में उससे सवाल कर रहा था, और वो भी काफ़ी सीरियस लग रही थी। अद्दा, 20 लोग एक आम के दरख्त पर एक साथ क्यों आम उतार रहे हैं? क्या उनमें कोई शर्त लगी है? उसके बिल्कुल सीरियस से अंदाज पर सवाल करने पर पास बैठी स्नेहा खिलखिला कर हंसी थी। ये तो वो भी जानती थी, लाली कभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो सकती।
लाली बकवास मत करो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। ज़यार शाह ने ज़रा सख्ती से कहा। एक भी नहीं, वो भी मुंह बनाकर जवाब देते हुए बोली तो ज़यार उसे घूर कर रह गया। हमारे खेत में एक दरख्त है आम का और 10 लोग उससे सारे आम उतार चुके हैं, अब 20 लोगों ने क्या शहतूत के दरख्त से आम उतारेंगे? बाबा कहते हैं हमें सिर्फ अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हमारे खेतों में बस एक ही आम का दरख्त है और वो इतना बड़ा नहीं है कि एक साथ 20 लोग उस पर चढ़ सकें, और 1000 आम, हाँ हाँ हाँ, उस पर तो 100 भी नहीं लगते। इन मैथ वालों से कहें पहले ठीक सवाल करें, फिर लाली जवाब देगी। वो किताब बंद करके मुँह बसोड़ते हुए बोली। उसे समझाते समझाते उसका अपना सर दुखने लगा था। वो तो पता नहीं क्या सोचकर उसने चाचा से कह दिया कि इस बार लाली पास हो जाएगी। वो जो हर बार सप्ली लेकर आखिरी चांस में पासिंग मार्क्स लेती थी, उसके लिए चाचू से कहे अल्फाज के लिए वो खुद ही पछता रहा था। उसे पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, इस बात का अंदाज़ा ज़यार शाह को पहले हरगिज़ नहीं था। वो पास हो जाती थी उसके लिए इतना ही काफ़ी था, वो कहाँ जानता था कि उसकी लाडली बहन इतनी नलायक है पढ़ाई में। दूसरी तरफ पहले दिन स्नेहा को पढ़ाई में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेते देख वो लाली के लिए भी यही गुमान किए हुए था कि वो भी लाइक होगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। अभी उसे पता चला था जिन किताबों में वो पास होती थी वो भी स्नेहा की बदौलत था, वरना उसे पढ़ाई में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। वो 3 दिन से घर आते ही उन्हें पढ़ने के लिए बिठा रहा था क्योंकि उनके पेपर सर पर थे। बहुत मुश्किलों के बाद स्नेहा को FSC के बाद कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इजाज़त मिल गई थी, जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही थी, जबकि लाली को तो कहीं जाना ही नहीं था। वो बस पढ़ाई से जान छुड़ाना चाहती थी और FSC के बाद उसको आगे पढ़ने का कोई भी इरादा नहीं था। यहाँ तक कि अम्मा की धमकी भी काम नहीं आई थी कि अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो शादी कर देंगी। उस बेशरम ने तो अम्मा के सामने भी साफ कह दिया, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझे मेरा दुल्हा ला दो। और इस फरमान के बाद अम्मा से जूते खाने के बाद भी अकल ना आई। अच्छा अद्दा, अब मैं जाऊँ, मुझे सच्ची वाली बहुत नींद आ रही है, देखिए मेरी आँखें भी सूज रही हैं। वो अपनी आँखें पूरी खोलती उसे दिखा रही थी। ज़यार ने नफ़ी में सर हिलाया, उसके साथ मज़ीद सर खपाने का उसका भी कोई इरादा नहीं था, जबकि स्नेहा भी अभी भी अपने सवालात मुकम्मल हल करके पेपर उसके हवाले कर चुकी थी। अल्लाह तुम्हें अक्ल दिला दो, जिस हिसाब से तुम्हारी पढ़ाई जा रही है ना, तुम पास नहीं हो सकती। वह उसके सर पर चपत लगाता उठकर स्नेहा को शाबाश देता बाहर निकल गया, जिस पर लाली ने जहाँ याहू का नारा लगाया वहीं स्नेहा उसे घूर कर रह गई। उसका इरादा आज ज़्यादा देर पढ़ने का था, लेकिन ये अलग बात थी कि इस मामले में हमेशा से चलती सिर्फ और सिर्फ लाली की थी। वो अपने कमरे में आया तो अम्मी जान हादी के पास बैठी उसे कोई कहानी सुनाने में मसरूफ़ थी। उसे देखते ही हादी उसकी टांगों से आ लिपटा। बाबा जानी, दादी मुझे कहानी सुना रही हैं, बहुत मज़े की कहानी है, आप भी सुने। वो उसका हाथ थामे उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। ज़यार ने मुस्कुराते हुए उस नन्हे से बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। ज़्यादा तंग तो नहीं किया इसने आपको? वो बेड पर बैठते हुए अपनी माँ की गोद में अपना सर रखता हादी को अपने सीने पर लिटा चुका था। नहीं, मेरा पोता बड़ा समझदार है, वो अपनी दादी को बिल्कुल भी तंग नहीं करता, अम्मा बेगम ने मुस्कुराते हुए उसके सर में उंगलियाँ चलाईं। माँ की ममता से भरपूर लम्स पर वो आंखें मूंदे उनकी मोहब्बत को महसूस करने लगा। हादी जो हमेशा से उसके सीने पर सर रखते ही सो जाता था, आज भी गहरी नींद में उतर गया, जबकि वो अपनी माँ की गोद में सर रखे कुछ सोचने में मसरूफ़ था। मेरी जान, अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम दूसरी शादी कर लो। क्यों दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को दे रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो? मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी हालत, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम्हारी ज़िंदगी का ये वीरानापन, अब आगे बढ़ो। 7 साल गुजर चुके हैं, तुम्हारे अब्बू भी तो तुम्हें लेकर बहुत परेशान हैं। एक आंसू उनकी आंख से निकलकर उसके रुखसार पर आ गिरा। उसने आँखें खोल कर एक नज़र अपनी माँ को देखा। आप क्यों परेशान हैं अम्मी जान? और उन्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहते थे वो, अपने भाई की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, तो हो तो चुकी है उनकी ख्वाहिश पूरी।
उन्हें ना 7 साल पहले मेरी खुशियों का एहसास था और ना ही आज है। मैं बरीदा को कभी छोड़ नहीं सकता, वो मेरी बीवी है और वो अपनी आखिरी सांस भी मेरी बीवी बन कर लेगी। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का क्या, तुम्हारी खुशियों का क्या, तुम्हारा क्या मेरी जान? वो माँ थी, अपने बच्चे को यूँ नहीं देख सकती थी, इसीलिए रोते हुए बोली, आप परेशान ना हो अम्मी जान, मेरी ज़िंदगी रुकेगी नहीं। जिस दिन कोई लड़की मुझे पसंद आई, मैं उस दिन दूसरी शादी कर लूँगा। कोई बरीरा या सिकंदर शाह मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मेरी ज़िंदगी का एक फ़ैसला सिकंदर शाह ने किया है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के तमाम आने वाले फ़ैसले मैं खुद करूँगा। वो मज़बूत लहजे में बोला, कब करोगे तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला? हाँ, कब पढ़ोगे तुम अपनी ज़िंदगी में आगे, बताओ मुझे। ज़ायार, कब देखूँगी मैं तुम्हारी खुशियाँ, कब आएगी तुम्हारे चेहरे पर असल मुस्कुराहट? अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ तक नहीं देख पाती, कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तो ज़ायार ने उनका हाथ थाम कर उनके हाथ की पुश्त पर अपने लब रखे। बहुत जल्द अम्मी जान, बहुत जल्द आप मेरी खुशियाँ देखेंगी। ये आंसू बेमोल मत करें, अल्लाह हिसाब लेगा मुझसे कि मैंने अपनी जन्नत को रुलाया क्यों। बस थोड़ा सब्र करें। मुझे जिस दिन कोई लड़की पसंद आई, मैं उसे ज़ायार शाह की बीवी बनाकर इस हवेली में ले आऊँगा। उसने मुस्कुराते हुए उनके आंसू साफ किए। क्या तुम बरीरा के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़ायार की सुर्ख आँखों ने जैसे उनके लब सी लिए। वो कैसे कह सकती थी ऐसा, जबकि वो सारी हकीकत से वाकिफ थी। उन्हीं को तो पता था सब कुछ, हवेली में सिर्फ वही तो जानती थी सारी हकीकत, तो वो भला ऐसी बात कैसे कर सकती। मेरे ख्याल में अब आपको आराम करना चाहिए, बहुत वक्त हो चुका है। वो खड़ा होते हुए बोला, तो अम्मी जान हाँ मैं सर हिलाती बेड से उठकर बिना कुछ बोले कमरे से निकल गईं। ज़ायार ने एक नज़र हादी के नाजुक वजूद को देखा और फिर फ्रेश होने चला गया। ओ साकी सा की रे, साकी सा की रे, आपास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बागी। स्नेहा आगे क्या था बताओ ना मुझे। वो आईने के सामने खड़ी लहरा लहरा कर अपने बाल आगे पीछे करती बेड पर किताबें फैलाई बैठी स्नेहा की तरफ देखते उससे पूछने लगी, लाडो प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मुझे काम करने दो। तेज़ी से पेन पेपर पर चलाते हुए वो बोली और फिर से मसरूफ़ हो गई। वाह वाह मेरी जान, वाह देख ली तुम्हारी बेवफाई, अभी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक नहीं हुआ और अपनी जान से प्यारी सबसे अजीज़ दोस्त को इग्नोर करने लगी हो, वहाँ जाकर तो तुम मुझे बिल्कुल ही भूल जाओगी। वो उछलकर उसके साथ बेड पर आ बैठी। बाद में स्नेहा उसे इशारा करती उसे बाद में ड्रामा करने का कह रही थी और उसके अंदाज पर लाली ने मज़ीद आँखें फाड़ के उसे देखा। भाड़ में जाओ कमीनी, जा रही हूँ मैं नीचे, मुलाजमा ने दूध उबाल लिया होगा, दूध की मिलाई से स्किन और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, मैं ज़रा अपनी स्किन को मज़ीद खूबसूरत कर लूँ। वो एक अदा से उसे इग्नोर करती बेड से उठी थी जब पीछे से आवाज़ आई, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाना। या अल्लाह क्या दिमाग ख़राब है तुम्हारा, एक ये पढ़ाई कर कर के अपना आप बिगाड़ रही हो और दूसरी तरफ चाय पी पी कर अपनी स्किन ख़राब कर रही हो, ज़रा होश के ना खुल लो। ये वकालत की डिग्री काम नहीं आएगी, ये हुस्न और ये नज़ाकत ही काम आएगी। वो उसे समझा रही थी जिस पर स्नेहा ने उसे घूर कर उसके सामने अपने हाथ जोड़े तो वो उस पर दो लफ्ज़ लानत भेजती कमरे से ही निकल गई। समझाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन उस बेचारी के पीछे तो उस हवेली के सारे ही लोग पड़े थे। अभी वो पहली सीढ़ी पर थी कि उसका पैर फिसला और वो लहराती अपना बचाव करती नीचे दो सीढ़ियां उतरती अचानक एक चट्टान से मजबूत वजूद से टकराई। अगले ही लम्हे वो आखिरी सीढ़ियों से नीचे गिरती कि किसी ने उसे थाम लिया। उसने बंद आंखों से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए अपनी आंखें खोलकर देखा और ख़ुद पर लानत भेजी, मतलब हीरो वाला सीन होना भी था तो उस मुच्छड़ के साथ। लानत है मेरी किस्मत पर, वो कम आवाज़ से कहना चाहती थी लेकिन उसकी ज़बान ने अल्फाज ऊंची आवाज़ में अदा किए। उसे यकीनन सामने मौजूद उस मुच्छड़ बकौल लाली ने भी सुन लिए थे। उसके नतीजे में वो अगले ही लम्हे उसका हाथ छोड़ चुका था और अब लाली साहिबा सीढ़ियों के नीचे पड़ी अपनी कमर मसल रही थी, साथ साथ कम आवाज़ में बद दुआएँ भी जारी थी।
जबकि मुच्छड़ साहब उसकी बातों पे गौर किए बगैर सीढ़ियां चढ़ के अपने कमरे में जा चुका था। या अल्लाह, ये अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के प्लग इन करना भूल जाए। या अल्लाह, ये बिल्डोज़र अपनी बॉडी पे साबुन लगाए और नल से पानी आना बंद हो जाए। या अल्लाह, ये फिल्म देखने जाए तो इसे सबसे आखिर वाली सीट मिले। वो बददुआएं देते हुए उठ रही थी जब उसे याद आया, ये तो दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान है, ये तो फिल्में भी नहीं देखता। या अल्लाह, इसे ऐसी लड़की मिले जो इसे तगनी का नाश न जाए, सब उसके खिलाफ काम करे, उसकी एक बात न माने। वह अपनी कमर सहलाती हाय हाय करती किचन की जानिब जा रही थी जबकि मुच्छड़ साहब ऊपर ग्रिल से ये सारा सीन काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। रूहान यार, तू तो इतना अमीर है, तू कुछ भी ले सकता है यार, अपने बाबा से फरमाइश करके स्पोर्ट्स बाइक क्यों नहीं ले लेता? क्यों बर्दाश्त करना उस राहेल को? उस राहेल को उसकी नज़र है दानी पर, बता रहा हूँ मैं। तैयब ने उसे दानी के बारे में बताते हुए मशवरा दिया तो उसने एक नज़र उसे देखकर नाम में सर हिलाया। अब अगर वो मेरी दानी के पास भी नज़र आया ना तो देख लूँगा, और तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, वो मुझे कुछ भी नहीं देने वाले, और ऊपर से नई फरमाइश वकालत करो मतलब हद नहीं हो गई? क्या इस ख़ानदान के सभी लोगों को वकील बनाना है उन्होंने? अब खुद वकील हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई वकील बनना चाहता है। एक तो मेरी बहन स्नेहा हर वक्त बाबा जानी करती रहती है, और बाबा जान के सामने ये भी कह दिया कि वो वकील बनेगी। बहुत जल्द वो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है। मुझे तो उसकी टेंशन हो रही है, अगर वो यहाँ आ गई तो उसे मेरी सारी रूटीन पता चल जाएगी और वो बाबा जान को बताने में एक सेकंड नहीं लगाएगी। रूहान ने परेशानी से कहा, अरे तू अपनी बहन की वजह से परेशान क्यों हो रहा है? वो तो वैसे भी तुझसे इतना डरती है कि एक बार घूरने पर ही खामोशी से बैठ जाएगी, और अगर आ रही है तो आने दे, बस उसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करने देना। तैयब ने उसे समझाते हुए कहा तो उसने हाँ में सह हिलाया। चल अपने बाबा को छोड़ ये बता कि तेरी स्पोर्ट्स बाइक कभी नहीं आ सकती? मेरा मतलब है, हम सब में सबसे ज़्यादा पैसा तेरे पास है और राहिल की टीम से मुकाबला करना भी सिर्फ तेरे बस की बात है, हम तो बस तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। उसके पास कितनी उम्दा स्पोर्ट्स बाइक है, पाकिस्तान की सबसे महंगी बाइक है वो। वैसे ना सही, लेकिन उसके 20% बाइक भी हम खरीद लें तो शायद उसका मुकाबला कर सकें। मैं तो यूनिवर्सिटी में भी मुश्किल से ही एडमिशन ले पाया हूँ, बाइक खरीदना कहाँ मेरे बस की बात है। लेकिन उस राहिल का एटीट्यूड ख़त्म करने के लिए काश तुम कुछ कर पाते, हमारी टीम की भी यूनिवर्सिटी में वाह वाह हो जाती, और दानी की नज़र में भी तुम ही बेस्ट होते, मगर शायद हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ खरीद पाएं। क्या फ़ायदा तेरे बाप के इतने अमीर होने का, अपने इकलौते बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, और मुल्क का सबसे बड़ा वकील बनकर घूमता है। तैयब उसे चाबी देता उठकर जा चुका था जबकि अब यही कुछ सवाल उसके अपने दिमाग में चल रहे थे जब उसका फ़ोन बजा। अदा, नाम जगमगाता देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अदा, कैसे हैं आप? आपको पता है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आप लंदन से वापस कब आए? आपका टूर कैसा रहा? वो एक ही सांस में पूछे जा रहा था। दूसरी तरफ मौजूद आलिम सुल्तान शाह के चेहरे पर तबस्सुम सा छा गया। मैं जानता हूँ मेरा छोटा भाई मुझे बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए तो आते ही सबसे पहले तुम्हें फ़ोन किया। शाम को तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्टल आने वाला था, 3 दिन के बाद तुम्हारी सालगिरह भी तो बहुत धूमधाम से मनानी है। आलिम ने मुस्कुराते उसकी सालगिरह का जिक्र किया तो उसके अंदर हलचल सी मच गई। यस, मतलब इस बार भी आप मेरे लिए कुछ स्पेशल करने वाले हो? अदा, मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए ताकि मैं राहिल को बता सकूं कि मैं उससे बेहतर हूं। बहुत एटीट्यूड है उस कमीने में, क्या आप मेरे लिए स्पोर्ट्स बाइक का इंतज़ाम कर सकते हैं? बेशक आप मुझे अगली 20 सालगिरह पर भी कोई गिफ्ट मत दीजिएगा। कहीं से उम्मीद की किरण पाते ही वो अपने दिल की बात लबों पर ले आया। तुम बस एक बार कह दिया करो मेरी जान, मैं सारी दुनिया को तुम्हारे कदमों में रख सकता हूं, और बाइक तुम्हें आज रात मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें बताना होगा कि ये दानी का किस्सा क्या है। आलिम ने अचानक ये दानी की बात की जिस पर रूहान के माथे पर पसीना आ गया। वो अदा, दानी अदा नहीं, दरअसल वो मेरी, हाँ जानता हूँ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसे काफ़ी चाहते हो। उसके इस तरह लड़खड़ाती आवाज़ सुनकर आलिम ने बात ही क्लियर कर दी।
काफ़ी नहीं अदा, मैं उसे बेहद चाहता हूँ। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और स्पोर्ट्स बाइक भी मैं उसकी वजह से लेना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल वो राहील उसे इम्प्रेस करने के पीछे पड़ा है। रोहान उससे कभी भी कुछ भी छुपाता नहीं था। तुम उसे कितना चाहते हो? वो तुम्हारे हाथ पर बनाए टैटू जैसी बेवकूफ़ी का सुनकर अंदाज़ा लगा चुका हूँ मैं, और मुझे यह हरकत बहुत बुरी लगी है। मोहब्बत का इजहार करने के लिए खुद को तकलीफ़ देना सिर्फ बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी तकलीफ़ से शाह हवेली वालों को तकलीफ़ होती है, और तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहा करो और किसी से नहीं। बाकी तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर चीज़ मिल जाएगी, वो सख्ती से बोला तो रोहान खामोश हो गया। उसने तो बस दानी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसके नाम का टैटू बनवा लिया था, लेकिन यकीनन इस बात से शाह हवेली के मकीनों को तकलीफ़ पहुंची होगी, क्योंकि वो सब उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। और सुनाओ स्नेहा कैसी है? उसकी खामोशी पर आलिम फिर से बात शुरू करने लगा। कैसी हो सकती है वो? पता नहीं, उसको शायद बाबा ने फोर्स किया है, उसे प्रेशराइज़ किया है, और अब वो वकालत के पीछे पड़ गई है, और अब यूनिवर्सिटी आना चाहती है, और उन लोगों ने उसे FSC के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इजाज़त भी दे दी है। जानते भी हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है? रोहान भरा पड़ा था अपने अंदाज में आलिम को बताने लगा, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा भी हो हमें अपनी बच्चियों पर एतबार है, और तुम भी तो हो यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। जिस तरह से तुम्हारी पढ़ाई जारी है बच्चे, मुझे लगता है कि तुम अगले 2 साल भी इसी यूनिवर्सिटी में गुजारने वाले हो। तुम्हारी 5 साल छोटी बहन तुम्हारे बराबर आ पहुंची है, तुम्हारे साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है, और तुम पिछले 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, जो कि एक बहुत गलत बात है, आलिम ने समझाते हुए कहा। तो रोहान अपने सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिया। मैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपनी लाइफ खुल कर जीने आया हूँ, अथा मुझे सफदरशाह की तरह वकालत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं स्नेहा की तरह उनकी चापलूसी कर सकता हूँ, वो बहुत साफ अंदाज में बोला था। ठीक है, तो फिर आज रात तुमसे मुलाकात होगी, डिनर साथ में करेंगे, आलिम ने बात ख़त्म करते हुए कहा। और मेरी स्पोर्ट्स बाइक? इससे पहले कि आलिम फ़ोन बंद करता उसकी बेकरार सी आवाज़ आई। वो भी आज ही मिल जाएगी शहजादे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आलिम ने मुस्कुरा कर कहते फ़ोन बंद कर दिया। वो जानता भी नहीं था कि उसके अलावा और किसी से इतनी नरमी से बात करता भी है कि नहीं, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना उसने अपना मकसद बना लिया था। वो शाह हवेली का बेटा था, इस हवेली का वारिस था, जो बड़ी हवेली में रहने की वजह से ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए तरसता था। न जाने स्नेहा कैसी रहती होगी वहाँ, क्या कोई उसकी भी फरमाइशों ख्वाहिशों को पूरा करता होगा या नहीं। काश वो उसकी भी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता। जब वो वाक्या पेश आया तब स्नेहा सिर्फ 11 माह की थी, और रोहान 6 साल का नादान बच्चा होने के बावजूद भी वो अपने घर वालों को नहीं भूला था। इसीलिए तो जब उसकी 20 साल की उम्र में आलिम ने उससे रابطہ किया तो वो उसकी तरफ बाहें फैलाए दौड़ आया था। वो अपनी हर फरमाइश अपनी हर ख्वाहिश आलिम से ही पूरी करवाता था, और आलिम के लिए तो वो उसकी जान था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। फ़िक्र तो उसे हमेशा से स्नेहा की थी, वो तो शुक्र था कि वक्त रहते ही 11 माह की उम्र में ही उसकी ज़िंदगी का फैसला कर दिया गया, वरना शायद बड़ी हवेली के लोग तो उसे उसके अपनों से मिलने भी न देते। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब वो भी अपने अपनों के बहुत करीब होगी, जैसे रोहान है। वो सो रहा था जब उसे बाहर हॉस्टल के लड़कों की आवाज़ सुनाई थी, बहुत सारे लड़के एक जगह जमा थे। उसने रूम की छोटी सी ग्रिल से नीचे की जानब देखा तो वो सब एक न्यू बाइक के सामने जमा थे, वो देखने में ही बहुत महंगी लग रही थी। साथ ही उसने राहील को खड़े देखा तो समझ गया कि उसने न्यू बाइक खरीद ली है। वो अंदर जाने ही वाला था जब उसे पियून ने नीचे आने का इशारा किया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मतलब अब ये 2 कौड़ी का इंसान राहील के सामने उसका मजाक बनाकर यकीनन उसे राहील की नई बाइक दिखाने वाला है, जिसकी वो तमाम लड़के बराबरी नहीं कर सकते। वो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखता नीचे आ गया। बोलो क्या बकवास करनी है, क्यों बुलाया है मुझे? वो पियून पर चढ़ दौड़ा जब पियून ने घबराते हुए चाबी उसके हाथ पे थमा दी। कोई आलिम सुल्तान शाह का बंदा दे गया है आपके लिए, उसने यूं ही घबरा कर पूरी बात उसे बताई तो तैयब चिल्ला उठा। क्या ये 2 करोड़ की बाइक तुम्हारी है?
तैयब ने हैरानगी से उसे उस बाइक की मालियत भी बताई। इतनी महंगी बाइक खरीदती मेरे भाई ने, ऐसी बाइक के तो लोग सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। रिजवान ने एक नज़र राहिल की जानिब देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा ये बाइक तुम्हारी है, मैं इसे टच करके यकीन कर लेता हूँ। वैसे मुझे तो यही पता था कि 45 लाख की बाइक सबसे महंगी होती है, लेकिन तूने तो 2 करोड़ की बाइक खरीद कर किसी को उसकी औकात याद दिला दी। उमर भी राहिल की टांग खींचता हंसते हुए बोला, जिस पर उन सब का कहकहा बुलंद हुआ, जबकि राहिल सुर्ख चेहरे से हूँ करता वहाँ से जा चुका था। चल यार तेरी न्यू बाइक पर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, तैयब राहिल को जाते देख कर कहने लगा। नहीं खबरदार, कोई भी टच नहीं करना, सबसे पहले मेरी जान दानी बटेगी, बाकी सबकी बारी बाद में आएगी। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालते दानी को फ़ोन करने लगा, जिस पर सबका मुंह बन गया। रोहान यकीनन वो तुझे बेवकूफ़ बना रही है हमेशा की तरह, उमर ने मुखलिस दोस्त की तरह उसे समझाना चाहा। उमर खुदा के लिए बकवास ना किया करो, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं जल्दी शादी के लिए भी उसे प्रपोज करने वाला हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम सब अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, क्योंकि अब मैं दानी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, वो गुस्से से कहता दानी को फ़ोन करता अपना नया बाइक लिए वहाँ से निकल चुका था। आलिम के साथ थोड़ी देर पहले ही वो डिनर करके आया था, आलिम ने तो बाइक का कोई जिक्र नहीं किया था, इसीलिए तो हॉस्टल आते ही वो सो गया था। और रात के 11 बजे एक हाई स्टैंडर्ड बाइक जिसकी कीमत राहिल की बाइक से 4 गुना ज़्यादा थी उसको मिल चुकी थी। क्या है रोनी, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो, मैं सो रही हूँ, दानी की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हॉस्टल आ रहा हूँ, मैंने न्यू बाइक ली है तुम्हें दिखानी है और तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, जल्दी से नीचे आ जाओ यार, मैं पहुँचने ही वाला हूँ। बस इतना कहकर मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वो उसे अपनी न्यू बाइक दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इस वक्त उसने शाह हवेली में फ़ोन करने की गलती नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि रात 10 बजे के बाद वहाँ कोई भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। ये हवेली का असूल था जो उन लोगों को उनकी नकली दुनिया से निकाल कर असल दुनिया में ले आता था, इसीलिए आलिम को वो सुबह थैंक यू बोलने वाला था। वाह रोहान, इतनी महंगी बाइक कैसे खरीद ली तुमने, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतने पैसे दे दिए? पापा ने नहीं, अद्दा ने, मेरे बड़े भाई, उन्होंने ली है मेरे लिए ये बाइक, मेरा बर्थडे गिफ्ट है, उसने मुस्कुराते हुए फ़खर से बताया। वो उसे अपने साथ एक विराम जगह पर ले आया था, जिस पर दानी बिना कोई एतराज़ आ गई थी। वाह तुम्हारे अद्दा तो बहुत अमीर हैं, शादीशुदा हैं या अभी कंवारे घूम रहे हैं, उसका अंदाज़ मालूमात लेने वाला था, जिसे रोहान उसकी मोहब्बत में महसूस न कर पाया। हाँ हाँ हाँ, कंवारे हैं, उन्हें अभी अपने मयार के मुताबिक कोई मिली ही नहीं, कोई बात नहीं अब मिल जाएगी। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई, राहिल ने मुझे आज दोपहर में प्रपोज किया है, लेकिन डोंट वरी मैंने इनकार कर दिया, वो मुझे एक डायमंड रिंग दे रहा था और उसने साथ में ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी के किसी भी लड़के की इतनी औकात नहीं है कि इस जैसी रिंग खरीद सके, लेकिन तुम्हारी न्यू बाइक देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम राहिल की इस गलतफहमी को जल्द ही दूर कर दोगे। दानी ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन में बाहें डाली और साथ ही उसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा, जिस पर रोहान के चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसकी बात ने उसे अंदर तक परेशान भी कर दिया था। उसे आलिम से अपने लिए बाइक मांगते हुए अजीब नहीं लगा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डायमंड रिंग भला वो कैसे मांग सकता था, लेकिन आलिम तो हमेशा कहता था उसकी हर चीज़ पर उसका हक है, वो जो कुछ उसे देता है कोई एहसान नहीं है बल्कि ये सब उसकी अपनी चीज़ें हैं। उसने एक नज़र दानी के चेहरे को देखकर हाँ में सर हिलाया। वो आलिम से एक रिंग तो मांग सकता था, यकीनन उसके बाप ने उसे कुछ नहीं देना था, उसका सहारा सिर्फ आलिम ही था। उसके मुस्कुराने पर दानी बेबाक अंदाज में उस पर झुकी थी। रोहान को उससे इस हद तक बेबाकी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। आई लव यू रोहान, मैं तुम्हारी बर्थडे पर अपने लिए उस तोहफे का इंतज़ार करूँगी, वो कहते हुए रोहान की बाहों में झूल चुकी थी, जबकि रोहान उसके हसीन सरापे में गुम एक बार फिर उस पर झुका था। वो एक मीटिंग में मसरूफ़ था जब उसे फ़ोन आया कि यूनिवर्सिटी में रोहान का लड़कों के साथ झगड़ा हो गया है, और उसके बाप को फ़ोन करने की बजाय उन लोगों ने आलिम को फ़ोन किया था, क्योंकि रोहान ने वहाँ दिया ही आलिम का नंबर था।
वो परेशानी से अपना सारा काम काज छोड़कर सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचा था। यूनी से सब लोग जा चुके थे, बस बीच बीच में कुछ स्टूडेंट ही रहते थे जो शायद अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे थे। वो अभी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह तलाश कर रहा था जब अचानक ग्रीन लिबास में एक लड़की उसकी गाड़ी से टकराई। गलती आलिम की थी। अपनी परेशानी में वो फ़िलहाल कुछ देख नहीं पा रहा था, इसीलिए फ़ौरन गाड़ी से निकलकर उस लड़की को देखने लगा जो उसकी गाड़ी के सामने पड़ी थी। आप ठीक हैं? आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ टेंशन की वजह से आपको देख नहीं सका। वो फ़ौरन माजरत करते हुए लड़की के पास आया जिसने बस एक निगाह उठाकर उसे देखा था। और फिर जैसे आलिम सुल्तान शाह की ज़िंदगी का वो लम्हा कुदरत ने महफूज कर लिया, कांत सी आँखें, लंबे बाल बेहद खूबसूरती से कुदरती तराशे हुए होंठ और ऊपर के होंठ के बिल्कुल साथ काला तिल, छोटी सी नाक, वो खूबसूरती का जीता जागता शाहकार थी। चेहरे पर बला की मासूमियत थी, एक ही पल में वो सामने वाले को बेकरार कर गई। उसे अपने बाएं जानिब जिस्म का हिस्सा तेज़ी से हिलता हुआ महसूस हुआ। धक धक की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। उसने आज तक अपने बाएं जानिब किसी किस्म की कोई हलचल महसूस नहीं की थी, लेकिन सामने खड़ी उस लड़की ने तो उसे पूरा हिलाकर रख दिया था। वो फौरन अपनी निगाहें चुरा गया। इतनी जोर का मार कर सॉरी बोल रहे हैं आप? पता नहीं आपको ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों दे दी जाती हैं? गाड़ी चलानी नहीं आती तो आपको पहले इंस्टीट्यूट में जाकर सीखें फिर चलाएं। मैं तो बच गई, ज़रूरी नहीं कि हर किसी की किस्मत ऐसी हो। वो अपना बाजू सहलाती उठ खड़ी हुई। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ। आज उसने खुद अपने लहजे में नरमी महसूस की थी, वरना ऑफिस से उठते हुए वो काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि जो मीटिंग वो छोड़ कर आया था वो उसे काफ़ी नुकसान दे चुकी थी। आपके सॉरी बोलने से मेरा खून बंद हो जाएगा, उसने अपना बाजू सामने करते हुए कहा। उसका ज़ख्म देखकर आलिम का दिल एक बार फिर से धड़का था। अरे आपको तो बहुत गहरी चोट लगी है, आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। उसकी तकलीफ़ का सोच कर वो फ़ौरन से बोला था। बहुत शुक्रिया अंकल जी, मैं खुद चली जाऊँगी डॉक्टर के पास, आप बस गाड़ी चलाना सीख लें। वो सख्ती से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ एक लड़की उसके इंतज़ार में खड़ी थी। जल्दी कर दानी, हम लेट हो रहे हैं। आज तो अब्बा ने मेरी जान निकाल देनी है, कल से हम एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे, वो लड़की परेशानी से उसे बुलाते हुए कह रही थी। आलिम ने बस उसका नाम सुना था, ये नाम उसके लिए अनजान नहीं था, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि इस दुनिया में बस एक ही दानी हो। और वो जानता था रूहान की पसंद इतनी सीधी सादी हरकिस नहीं हो सकती, उसे तो बस आलिम सुल्तान शाह के लिए बनाया गया था। उसकी निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। गहरी काली आँखें, उनाबिल लबों पर घनी सिया मूछें, वो जब कहीं से गुजरता था तो लोग अपने आप को उसकी पर्सनालिटी देखकर उसका रास्ता छोड़ देते थे। वो किसी किस्म के अल्फाज का मोहताज नहीं था, वो वजाहत और खूबसूरती का जीता जागता सबूत था। उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते थे। वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, लेकिन खुद को किसी का ख्वाब बनाना उसे पसंद नहीं था। वो अपनी तबीयत में एक खिंचाव रखता था जिसकी वजह से कोई भी जल्दी से उससे फ्री नहीं हो सकता था। ये तो रूहान था जो उसके लिए ख़ास था, जिसने आज अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से किसी लड़के के सर पर कांच की बोतल मारी थी और उसकी शिकायत उसके वालदैन ने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से लगाई थी, जिसके नतीजे में आलिम को यहाँ आना पड़ा। लेकिन वो कहाँ जानता था कि यहाँ आते ही उसे अपने दिल की दुनिया बदलती हुई महसूस होने लगेगी। अरे आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आपके भाई ने मेरे बेटे के सर पर बोतल मारी है, उसकी हालत देखें। वो तो अल्लाह पाक का करम है कि उसकी जान बच गई, वरना न जाने आज क्या हो जाता। आपके भाई की वजह से आज मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठता। हाल देखिए मेरे मासूम बच्चे का, कैसे जालिमों की तरह इसका नक्शा बिगाड़ दिया है। तरस ना आया आपके जालिम भाई को मेरे बच्चे पर? वो साहब दवाइयाँ देते हुए अपने बेटे का रोना रो रहे थे जो काफ़ी बुरी हालत में उनके सामने ही बैठा था। तो आपका बेटा ना करता फजूल बात, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की? कोई उसके पास जाए मैं बर्दाश्त नहीं करता। और इसने उसे तंग किया, मैं इसकी जान निकालने में एक सेकेंड ना लगाऊँ अगर इसने दोबारा ये हरकत की। शुक्र करें कि ज़िंदा बच गया है। रूहान का गुस्सा भी अभी कम नहीं हुआ था, जिसके आलिम मुस्कुराते हुए उसका ये अंदाज़ जबकि आलिम मुस्कुराते हुए उसका ये अंदाज़ देख रहा था।
आखिर उसकी रगों में भी उसके खानदान का खून बहता था। जोश ना मारे ऐसा मुमकिन ही नहीं था। देख रहे हैं आप इसे किस तरह से बात कर रहा है। इसे ज़रा एहसास नहीं है कि इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। वो साहब अब तक दवाइयाँ दे रहे थे जब आलिम उठ कर दुहाइयाँ होना चाहिए वैसे वो साहब अब तक दुहाइयाँ दे रहे थे जब आलिम उठ कर खड़ा हुआ और एक चेक साइन करते हुए उसके मुंह पे दे मारा। ये पैसे ले लो और इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं अपने भाई की लाइफ में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं चाहता। और हाँ, ये आलिम सुल्तान शाह का भाई है। अगर अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से ज़िंदगी नहीं गुजारेगा तो फिर कैसे गुजारेगा। और बेटा ज़िंदा है आपका, लगाम डालें वरना हर बार ज़िंदा बच जाए ये ज़रूरी नहीं। और तुम अब से तुम कोशिश करना कि तुम मेरे भाई के रास्ते में ना आओ वरना अगली बार तुमसे आलिम सुल्तान शाह खुद मुलाकात करेगा। उसके मुंह पर चेक मारते हुए वो उस जख्मी लड़के को देखकर बोला, जिसकी आंखें चेक देखते ही रोशन हो गई थी। और कुछ ऐसा ही हाल उसके बाप का भी था। अभी कल ही तो उसने अपने बाप को बताया था कि रोहान बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जिसका उसे कल ही अंदाज़ा हुआ था जब उसने उसके पास 2 करोड़ की बाइक देखी थी। बस उसके बाद उसने सारी बातें अपने बाप को बताईं और फिर वो उनको गुस्सा दिलाकर खुद पर हमला करवा गया, जिसके नतीजे में 10 लाख का चेक वो हासिल कर चुके थे। रोहान खुद भी ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान था। उसका भाई उसे इस छोटी सी प्रॉब्लम से बचाने के लिए 10 लाख की अमाउंट दे देगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। सच था, उसका बाप तो उस पर एक फूटी कोड़ी भी ना लगाता। उन लोगों को फारिग करके वो दोनों बाहर आ गए थे। उसे लगा था आलिम उसे डांटेगा। वो जब भी खुद को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाता था तो आलिम उसे बहुत डांटता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाहर निकलते ही आलिम ने उसे लंच की ऑफ़र की। हाँ अद्दा, कहीं पर भी चलते हैं, भूख तो मुझे भी बहुत सख्त लगी है, वो उसके साथ बाहर निकलते हुए बोला। तो ठीक है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इनवाइट करो, हम साथ में लंच करते हैं। उसका इरादा असल में दानी से मिलने का था। वो दानी से मिलकर जानना चाहता था कि आखिर किस तरह की लड़की है और उसके साथ किस हद तक इस रिलेशनशिप में सीरियस है। अदा वो तो घर जा चुकी है, आज दरअसल उसकी कोई फैमिली मेम्बर लंदन से आने वाली हैं, जिनसे मिलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब आप आए तो ही वो गई थी। अब उसे यूँ वापस बुलाना अजीब लगेगा क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है और आज पूरे 1 महीने के बाद घर वापस गई है। रोहान ने उसे तफसील से बताया तो एक बार फिर से आलिम की नज़रों के सामने वो प्यारा सा चेहरा घूम गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम फिर कभी उससे मिल आएंगे, आओ पहले लंच करते हैं। आलिम रोहान की पसंद को अच्छे से समझता था। उसे कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती थी, कौन सी चीज़ अच्छी लगती थी, वो हर चीज़ से वाकिफ हो गया था। ऐसे में उस लड़की को रोहान की पसंद गुमान करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। रोहान बहुत अलग नेचर का बंदा था, उसे सादगी या सादा चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसे यकीन था कि वो लड़की जो उससे बाहर मिली थी रोहान की पसंद हरगिज़ नहीं हो सकती। जबकि रोहान के दिमाग में इस वक्त दानी की बातें चल रही थीं। राहील ने उसके लिए डायमंड रिंग खरीदी थी और उसका बाप उसे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीद कर दे सकता था। उसे लगा था कि आलिम का मूड ऑफ होगा, लेकिन आलिम का मूड तो बहुत अच्छा था, वो फरमाइश कर सकता था। बरीरा बेगम घर वापस आ गई हैं, मुलाजमा सामान अंदर रखते हुए दूसरी मुलाजमा को बताने लगी। हादी ने ये बात सुनते ही बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी, जहां अपनी माँ से पहले उसे जायार का चेहरा नज़र आ गया। बाबा, मामा घर वापस आ गईं, वो बहुत खुशी से अपने बाप को बता रहा था। जयार जानने के बावजूद भी बेटे के सामने अनजान बनकर मुस्कुरा दिया, जबकि वो बरीरा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उन्हीं की जानिब आ रही थी। हादी बहुत खुशी से अपनी माँ से मिल रहा था, वो खुद भी उसे अपने सीने से लगाए अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। उसकी सहेली की शादी थी जिसकी वजह से उसे लंदन जाना पड़ गया था। वो हादी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन हादी जयार के बगैर रह नहीं सकता था और जयार को ये फजूलियात हरगिज़ पसंद नहीं थी। तुम 1 हफ्ते के लिए गई थी और 10 दिन के बाद वापस आई हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे पीछे हादी ने तुम्हें कितना मिस किया। एक बात अच्छी तरह से जान लो बरीरा बेगम, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी गैर जिम्मेदारी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, वो कुर्सी से उठते हुए बेहद सर्द से अंदाज में बोला था।
मैं आने वाली थी लेकिन फ़्लाइट का कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से मैं फ़ौरन वापस नहीं आ सकी। मैंने ख़ुद भी हादी को बहुत ज़्यादा मिस किया और यह बात आप जानते हैं कि मैं हरगिज़ गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, बस मजबूरी थी जिसकी वजह से वापस ना आ सकी जल्द। लेकिन मैं फिर भी आपसे माजरत ख्वाह हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज़ अपना मूड दुरुस्त करें, इतने दिनों के बाद आई हूँ मैं। वो उसके सीने पर हाथ रख के बेहद करीब आकर बोली, जबकि हादी के सामने उसका ये अंदाज़ उसे बहुत नागवार गुजरा था। उसने एक ही झटके में उसका हाथ अपने सीने से झटक दिया। बेहद तोहीन आमेज लम्हा था। वो भीगी निगाहों से उसे देखने लगी। वो एक बेहद बेदर्द इंसान था, उसके एहसासात उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। वो उसके जज्बात को तो सिरे से ही नज़रअंदाज कर देता था। बरीरा अभी तक उसे यूं ही देख रही थी, जब बाहर आते चाचू ने उन्हें देखा, वो गुस्से में लग रहे थे। यकीनन ज़यार का ये अंदाज़ उनसे छुपा नहीं रहा था। ज़यार बेटा, क्या हरकत थी? तुम्हारी बीवी 10 दिन के बाद तुमसे मिल रही है और तुम उसके साथ ये सलूक कर रहे हो। वो ख़ानदान का सबसे बड़ा और समझदार बेटा था, वो उससे इस तरह की उम्मीद हरगिज़ नहीं रखते थे। पता नहीं सफदर चाचू अभी क्या क्या कहना चाहते थे। जब बरीरा अपना दुपट्टा अपने लबों पर रखती, अपने आंसुओं पर जब्त ना करती, वहाँ से भागती चली गई। अपनी माँ को उदास देख कर हादी भी उसके पीछे भाग गया। आई एम सॉरी सफदर चाचू, लेकिन इस तरह मुलाजमों के बीच उसकी ये हरकत मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। 7 साल से ये मेरे साथ अभी तक है, लेकिन इस लड़की को मेरी नेचर अभी तक समझ नहीं आई। कभी कभी तो हद से बढ़ जाती है ये। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता नरम लहजे में बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूँ ज़यार, लेकिन यहाँ कोई मुलाजिम नहीं था। वो बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार बच्ची है। जिस तरह से उसने घर बार सब संभाला है, मैं तो उससे मुतासिर हो गया हूँ। जितनी पहले गैर जिम्मेदार थी, हादी के आने के बाद उतनी ही समझदार और अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभा रही है। उसके साथ ज़्यादा सख्ती मत किया करो, वो उसे समझा रहे थे, जब ज़यार ने सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। और ये सच था कि वो बहुत समझदार थी। शादी की पहली रात की ज़यार ने साफ अल्फाज में जो कह दिया था कि कमरे के अंदर हमारा रिश्ता जैसा भी हो, कमरे के बाहर वो कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारेंगे, और उसकी बात को वो अच्छे तरीके से समझ गई थी। इन 7 सालों में बरीरा ने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कुछ तल्ख बातें और तल्ख हकीकत आज भी उसकी ज़िंदगी में काला साया बनी हुई थी, जिन्हें वो कभी नहीं भुला सकता था। बरीरा को कबूल करना उसके बस में नहीं था, उसे उसके वजूद से नफरत थी, उसका होना उसे तकलीफ़ देता था। वो और 24 घंटे उसके साथ रहती थी, उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर, हर चीज़ पर उसका हक था। वो जानता था वो उससे मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत, लेकिन ज़यार शाह के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। बस वो तो इस रिश्ते को एक सज़ा के तौर पर निभा रहा था, जो उसकी मजबूरी थी। बरीरा तो अपने आप को उसकी पसंद में डाल चुकी थी। 7 साल में उसने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर उसके रंग में रंग लिया था। वो आज़ाद माहौल में पली बड़ी एक आज़ाद ख्याल लड़की थी। वो तो शादी जैसे बंधन पर यकीन तक नहीं करती थी, लेकिन जब उसके साथ उसका निकाह हुआ, वो सिरे से बदल चुकी थी। वो सर से पांव तक सिर्फ उसकी बन चुकी थी, लेकिन ज़यार को उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ और सिर्फ हादी की माँ थी। ज़यार उसे छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए अपनी और उसकी ज़िंदगी अजाब बना डाली थी। उसके पीछे 2 वजह थी, एक हादी और एक वो वादा जो उसने अपने मरते हुए चचा से किया था। लेकिन ये भी उसने खुद ही कहा था कि जब बरीरा उससे खुद तलाक मांगेगी तो उसी दिन वो उसे आज़ाद कर देगा। उसे बरीरा को तलाक देने में कोई हर्ज नहीं। अगर बरीरा खुद उससे जुड़ा हुआ रिश्ता ख़त्म करेगी तो वो कोई एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन बरीरा, जो उसके इश्क में सर से पांव तक डूबी हुई थी, जिसे उसके पैर की खाक तक भूल थी, वो भला कैसे उसे छोड़ने का सोच सकती थी? उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत, वो हर चीज़ को कबूल कर चुकी थी। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी था कि ज़यार शाह उसका है, उसका शौहर है। 7 साल पहले इसी उम्मीद से तो उससे शादी की थी कि आज ना सही लेकिन ज़िंदगी में कभी तो वो उसे अपनाएगा, कभी तो उसे कबूल करेगा, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा। और 7 साल से ये इंतज़ार इंतज़ार ही रहा, और वो आज भी इसी इंतज़ार में थी।
या अल्लाह मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ, क्यों हूँ? वो आईने के सामने खड़ी फ़ोन में सेल्फी बनाते हुए बोली, जिस पर स्नेहा की हंसी निकल गई। क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो, मेरी जान हो। वो उसके पीछे आते हुए उसके गिर्द बाहों का हसार बनाते हुए बोली, तो लाली ने उसे घूर के देखा। वो तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हें मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? उससे स्नेहा की मोहब्बत बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। क्योंकि मुझे सर में दर्द महसूस हो रहा है, उसने अपने सर की तरफ इशारा किया, तो अगले ही लम्हे ड्रेसिंग टेबल से उसी का रजिस्टर उठाकर उसके सर पर वो मार चुकी थी। अब राहत मिली या एक और मारूं? वो रजिस्टर सामने करती हुई बोली, क्योंकि वह जान गई थी स्नेहा की सारी मोहब्बत चाय के एक कप के लिए थी। बस ये बात इस ख़ानदान में मशहूर हो चुकी थी कि लाली बहुत अच्छी चाय बनाती है, जो उसने स्नेहा की सालगिरह वाले दिन अच्छे मूंछ में बना डाली थी और अब अपनी इस गलती पर पछता रही थी। लाली, जब मैं चली जाऊंगी ना, फिर मैं तुम्हारे हाथ की चाय को बहुत मिस करूंगी। वो इमोशनल होते हुए उसे खींचकर अपने सीने से लगा चुकी थी। तुम बहुत मतलबी हो स्नेहा, मैं जानती हूँ तुम वहाँ पर मुझे नहीं मेरी चाय को मिस करोगी। उसके इमोशनल होने पर लाली भी इमोशनल हो गई। स्नेहा को अपना काम बनता नज़र आया। तुम्हें पता है लाली, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मोहब्बत है? चाय से। स्नेहा के सवाल पर लाली ने फौरन मुंह बनाकर जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। वो क्या कहते हैं? अर्ज किया है, तुम फूल ला दो, कलियां दो, महल बनवा दो, लेकिन मोहब्बत हम फिर भी चाय से ही करेंगे। वो शायराना अंदाज में कहती आखिर में लाली को देखने लगी, लेकिन तुम जानती हो मुझे चाय से इतनी मोहब्बत क्यों है? नहीं, तुम नहीं जानती। इससे पहले कि लाली जवाब देती, उसका चेहरा थाम कर वो ड्रामाई अंदाज में बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ लाली मुझे चाय इतनी पसंद क्यों है। क्योंकि ये चाय मुझे तुम बना के देती हो, अपने प्यारे प्यारे मेहंदी, अंगूठी और ब्रेसलेट वाले हाथों के साथ। इन कवारी नाजुक और खूबसूरत हाथ की चाय, उफ़ वल्लाह, जब तुम मेरे जीजू को पहली बार इन हाथों से चाय बनाकर पिलाओगी, तो वो तुम्हारे इश्क में फ्लैट होकर तुम्हें चाय के परिस्तान में ले जाएंगे। चाय का परिस्तान? वह हैरान हुई, लेकिन स्नेहा ने उसके लबों पर हाथ रखकर अपनी बात जारी रखी। एक बड़े से कप में दो कुर्सियां लगी होंगी, बीच में छोटी सी मेज़ होगी जिस पर छोटे छोटे दो कप मेरा मतलब है एक कप चाय और एक डेरी मिल्क चॉकलेट होगी। ब्रैकेट, लाली चाय नहीं पीती, बकौल लाली के वो काली हो सकती है। दुनिया की सबसे अलग डेट लाली की डेट है, तो अलग ही तो होगी ना, क्योंकि तुम जैसा नमूना, ओ मेरा मतलब है कि तुम जैसा नगीना दुनिया में वाहिद है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए लाली को देखने लगी, जो अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखे खुद भी शायद अपनी इस चाय वाली डेट के बारे में सोच रही थी। अरे तुम खामोश क्यों हो गई हो, बताओ ना फिर क्या होगा ऐसी डेट? तो मैंने कभी नॉवलों में भी नहीं पढ़ी और ना ही किसी रोमांटिक फिल्म में देखी है। मेरी डेट भी दुनिया की सबसे अलग डेट होगी। उसे सच में स्नेहा के ख्याल करदा डेट बहुत ही पसंद आई थी। अरे डेट ऐसे ही तो नहीं हो जाती, बहुत कुछ सोचना पड़ता है इसमें, और भी बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें ऐड करनी होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोच नहीं पा रही। तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, तब तक मैं सोचती हूँ। वो फौरन अपने मतलब पर आई, जिस पर लाली ने उसे सख्त निगाहों से घूरा फिर मुस्कुराई। अच्छा अच्छा, मैं अभी बना के लाती हूँ अपनी प्यारी सहेली के लिए चाय का कप, तुम डेट फाइनल करो। ये कहानी तो सारे नॉवलों से ज़्यादा मज़े की है। उसे काम पर लगा दी, वो उसके लिए चाय बनाने जा चुकी थी। अभी वो पहली सीढ़ी पर थी जब उसे दूर से मुच्छड़ आता नज़र आया। वहीं पर रुक जाएं शेर भाई, पहले मुझे नीचे आने दें, आज फिर से कमर तुड़वाने का कोई इरादा नहीं है मेरा, वो उसे पहली सीढ़ी पर ही रोकते हुए बुलंद आवाज़ में बोली। उसकी बात उसे भी शायद पसंद आई थी, वो हाँ में सर हिलाता उसके नीचे आने का इंतज़ार करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती नीचे आ गई थी। उसने एक नज़र सर से पैर तक उसकी जानिब देखा। कॉटन की खूबसूरत सुर्ख फ्रॉक में रोज़ की तरह बेहद प्यारी लग रही थी। बाल खुले पुश्त पर पड़े थे, लबों पर हल्की सी लाली लगी थी, आँखों में गहरा काजल और दोनों नाजुक हाथ मेहंदी और चूड़ियों से सजे हुए थे। वो अपना आप संवार कर रखती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह बेहद खूबसूरत है और वो अल्लाह की दी इस खूबसूरती की ना कदरी हरगिज़ नहीं करती थी।
वो अपनी फेवरेट थी, उससे अपना आप बेहद पसंद था, इसीलिए तो हर वक्त सजी रहती। सर पर दुपट्टा लिया करो और बाल ना खोला करो, यूँ घर मुलाजमों से भरा हुआ है। उसके करीब से गुजरते हुए वो ज़रा सख्त लहजे में बोला था, घर नहीं, घर की बाहर की साइड मुलाजमों से भरी हुई हैं और अंदर सिर्फ फौजिया और बुशरा आपा ही होती हैं, और वह जब भी मुझे देखती हैं माशाल्लाह कहती हैं, नज़र लगने के तो चांस ही कोई नहीं है। वो उसकी बात को अपने अंदाज में लेती हुई बोली, बेवकूफ़ लड़की, नज़र खूबसूरत लोगों को लगती है, बांदरी जैसी शक्ल वालों को नहीं। एक तो अल्लाह ने शक्ल ही ऐसी दी है और ऊपर से हर वक्त की लापा तोपी, और भी मोहतरमा को ये डर भी है कि उन्हें नज़र लग जाएगी। वो बुड़बुड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, लेकिन लाली की शान में तोहीन हो चुकी थी। यहाँ मौजूद हर इंसान उसकी खूबसूरती की नज़रें उतारता था और ये शख्स उसे बांदरी कहकर चला गया। उसकी बददुआओं का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका था। उसे जितनी बददुआएं आती थीं उसने देना शुरू कर दी। वो उसके सामने ऐसी हरकत नहीं करती थी क्योंकि शेर का गुस्सा बहुत सख्त था, जिससे वो सहम जाती थी। उसके गुस्से का नज़ारा वो बहुत बार कर चुकी थी, उसे तो अक्सर डांट पड़ ही जाती थी, इसीलिए वो अपने दिल की तमाम तमन्नाएं दिल में बददुआओं की सूरत पूरी कर लिया करती थी। लेकिन आज उसे सच में सदमा लगा था। वो शीशे नुमा मेज़ में अपना चेहरा देखने लगी, जो रोज़ की बनिस्बत बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने मुकम्मल तौर पर अपना जायज़ा लिया, जहाँ नज़र कटती कोई ना कोई शीशा नज़र आ ही जाता जो उसकी खूबसूरती के कसीदे पड़ता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वह खूबसूरत थी और यह बात वह खुद जानती थी, किसी मुच्छड़ के कहने से वो बांदरी नहीं बन सकती। वो खुद को तसल्ली देती, अपने बाल पीछे करती, दुपट्टा सर पर लेने लगी, क्योंकि बाहर से मुलाजमों की आवाज़ आ रही थी। घर के अंदर हर तरह की आज़ादी के बावजूद भी वो अपनी हदूद को अच्छे से पहचानती थी। स्नेहा, बरीरा आपी और वो मुलाजमाओं के सामने कभी नहीं आती थी, और ना ही उनके घर के मर्दों को ये बात पसंद थी, इसीलिए मुलाजमों को घर के बाहर तक ही महदूद रखा गया था, उनका अंदर आना बहुत कम हुआ करता। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ रूहान, फिर तुम बेशक उसे प्रपोज़ कर लेना, मैं तुम्हें खुद उसके लिए रिंग खरीद दूँगा, लेकिन इससे पहले मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, आलिम ने उसे समझाना चाहा। भाई, मेरी सालगिरह पर आप मिलेंगे उससे, मैं उसी दिन उसे प्रपोज़ कर लूँगा, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है, रूहान इस अंदाज में बोला कि आलिम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। वो सिर्फ अपने भाई की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, लेकिन उसके प्रपोज़ करने से पहले वो जानना चाहता था कि ये दानी किस तरह की लड़की है। लेकिन उसकी ज़िद के सामने वो उसकी बात मानने को तैयार हो चुका था, जिस पर रूहान बेहद खुश था। अब राहील उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और वो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपना बनाने जा रहा था। वो लोग थोड़ी ही देर में उठकर वहाँ से जा चुके थे, जबकि होटल के मैनेजर ने रूहान सफदर शाह को आलिम सुल्तान शाह के साथ देखकर ज़यार शाह को बाखबर कर दिया था, जिसके बाद बड़ी हवेली में यह खबर तेज़ी से फैल चुकी थी। ज़यार बहुत बार आलिम को रूहान से मिलने से मना कर चुका था, लेकिन आलिम बाज ना आया। अब यकीनन उसे अपने तरीके से उसे ये बात समझानी थी कि रूहान का शाह हवेली से कोई ताल्लुक नहीं। आज पूरे एक हफ्ते के बाद वो गांव वापस आ गया था। तुराब के घर ना होने की वजह से ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां आजकल उसी के ऊपर थीं। तुराब एक हफ्ते से अपना कोई ज़रूरी काम निपटाने इस्लामाबाद गया हुआ था, ऐसे में आलिम ने उसके सारे काम भी खुद ही संभाल रखे थे, जिसकी वजह से शाह हवेली आना उसके लिए मुश्किल हो गया था। आज एक हफ़्ते के बाद उसने हवेली का रुख किया था। गाड़ी कच्ची पक्की सड़कों से होती हुई गांव की हदूद में शामिल हो चुकी थी, जब अचानक उसकी जीप के टायर चढ़चढ़ाए थे। उसने बेहद गुस्से से सामने से आती गाड़ी को देखा, जिसमें बैठा ज़यार शाह उसके गुस्से को दुगना कर चुका था। उसने हॉर्न पे हाथ रखते हुए मुसलसल दबाना शुरू कर दिया, ताकि उसे बता सके कि वो उसकी शक्ल देखने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन सामने भी ज़यार शाह मौजूद था, जैसे उसके इरादों से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। ना वो गाड़ी पीछे जाने को तैयार था और ना ही उसका रास्ता छोड़ने को, लेकिन इस मामले में आलिम भी अपनी ज़िद का पक्का था, वो भी उसके रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। ये ज़िद तो बरसों से उनकी तबीयत का हिस्सा थी। वो छोटी छोटी बात को लेकर मुकाबले पर उतर आते थे, जैसे अब वो दोनों मुकाबले पर उतरे हुए थे, एक दूसरे का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे।
वो दोस्ती निभाने वाले और दुश्मनियों में हद पार कर जाने वालों में से थे। गांव की इस मिट्टी की सड़क पर यकीनन एक और जंग छिड़ने जा रही थी। वो दोनों सुर्ख आंखों में सर्द मोहरी और नफरत लिए एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ किसी एक का पीछा हटना दूसरे की हार थी और हार उनके खानदान की रवायतों में शामिल नहीं थी। देखते देखते गांव के कई लोग वहां जमा होने लगे। गांव के किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत ना थी कि वो आलिम से ये कहता कि वो रास्ता छोड़ दे, और ना ही ज़या शाह के बिगड़े हुए तेवर से मुकाबला करने की किसी में हिम्मत थी। इससे पहले कि गांव में एक और जंग छिड़ती, एक और दुश्मनी जन्म लेती, एक आदमी भागता हुआ शाह जी करता उनकी जानिब आया। क्या बात है बख्शू चाचा, क्यों चिल्लाए जा रहे हो? आलिम ने गुस्से से पूछा, और यही सवाल ज़यार भी करना चाहता था। शाहजी, गांव के बड़े दरख्त पर फैसल की बेटी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। लाश गांव के बीचों बीच लटक रही है। मेहरबानी करके जल्दी चलें, वहां फैसल ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। इससे पहले कि बेचारा अपनी ही जान ले बैठे, उसकी बेटी को इंसाफ दिलाएं। वो बड़ी हवेली और शाह हवेली गया था, लेकिन बड़े शाहजी वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए आप दोनों को इधर देख कर यहीं भाग आया हूँ, वो तफसील से बता रहा था, जबकि ज़यार और आलिम दोनों परेशान हो चुके थे। वो एक वफादार साथी था जो मुश्किल आने पर जान भी लुटाने को तैयार रहता था। उसकी बेटी ने भला खुदकुशी क्यों की, ये सवाल उन दोनों के जहन में था। वो अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ते हुए गांव के खेतों के रास्ते बड़े दरख्त की तरफ जा रहे थे। पुलिस के आने से पहले उन्होंने किसी को भी लाश को छूने से मना कर दिया था, और पुलिस के आने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। फैसल ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। सब्र करो चाचा, तुम्हारी बेटी जिसकी वजह से भी इन हालात में पहुंची है, उसे भी सुकून नहीं मिलेगा। इतनी आसानी से तो हम भी नहीं छोड़ेंगे उसे, ज़यार ने फैसल को समझाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी बेटी को ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार एतबार में लेकर अपनी माँ को बता देना चाहिए था। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, लेकिन मोहब्बत में हर हद पार कर जाना गुनाह है। हमारे मज़हब में ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत रोशन तरीके से बयान किया गया है। मर्द को अपनी और औरत को अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए जो कि बताई गई हैं। यूँ छुप छुप कर घर से झूठ बोलकर किसी गैर महरम से मिलना, उसके साथ हर हद बात कर जाना, महज डेढ़ महीने में वो उसके इतने करीब हो गया कि उसने अपना आप उसके हवाले कर दिया। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम खुद बताओ कि इसमें गलती सिर्फ उस लड़के की थी? जो कुछ भी हुआ, इसमें गलती तुम्हारी बेटी की भी उतनी ही थी जितनी उस लड़के की। आलिम के पास झूठे अल्फाज नहीं थे जिनका सहारा लेकर वो उसके आंसू साफ करता। आज ये शख्स रो रहा था अपनी बेटी की लाश पर, लेकिन हकीकत तो ये थी कि जब उसकी बेटी एक गैर महरम से छुप कर मिलने लगी, तो वो बाप का फ़र्ज़ अदा करने की बजाय अपनी ज़िंदगी में मगन रहा। अगर वो अपने बाप होने का फ़र्ज़ अदा करता तो आज ऐसा ना होता। कौन सा बाप अपनी जवान बेटी से इस हद तक बेखबर रहता है कि उसे ये तक नहीं पता कि उसकी बेटी एक गैर शख्स से मिलती है? हालात इतने बिगड़ गए कि वो माँ बनने वाली थी और उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया था। उसके पास सिवाय खुदकुशी के और कोई रास्ता नहीं था। आज फैसल अपनी बेटी के लिए तड़प तड़प कर रो रहा था, लेकिन अगर वो अपनी बेटी की गैर हाजिरी और गैर दिमागी को नोट करता तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। दौरे जहालत अब भी बाकी था। बेटी से उनकी मर्जी पूछना, उनकी परेशानियों पर गौर करना आज भी उन लोगों के लिए गैर ज़रूरी था। उनके लिए अहम बस इतना ही था कि वह फैसला सुनाएं और बेटी सर झुकाकर हाँ कर दे। आज भी कई खानदानों में शादी से पहले उनसे मर्जी तक नहीं पूछी जाती। और फैसल भी ऐसी ही सोच रखता था कि जब उसकी बेटी शादी के काबिल होगी, वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी उसकी शादी कर देगा। इसीलिए वो उसे झूठे सहारे देने की बजाय हकीकत बता रहा था। वो उसे बता रहा था कि उसकी भी इतनी ही गलती है जितनी उसकी बेटी और उस लड़के की। लेकिन ज़यार के ख्यालात आलिम से अलग थे। उसकी सोच थी कि इस वक्त चाचा को सहारे की ज़रूरत है, ना कि तल्ख हकीकत की। लेकिन आलिम इसमें उसका साथ नहीं दे सकता था। बच्ची को सुधारने या बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ उसके अपने वालदैन का होता है, क्योंकि एक लड़की को उसके माँ बाप से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अगर वक्त रहते माँ बाप उसकी सही गलत की पहचान बताते रहें उसको, तो हालात बिगड़ नहीं सकते। चाचा, आप बेफिक्र रहें, जिसने हमारे गांव की बेटी के साथ ये जुल्म किया है, खुश तो वो भी नहीं रह पाएगा। जेल की चार दीवारी उसके इंतज़ार में है। अल्लाह आपको सब्र दे, ज़यार उनके कंधे पे हाथ रखता उन्हें हिम्मत देते हुए बोला, जबकि आलिम
से इस तरह के ड्रामे नहीं होते थे। वो बिना कुछ बोले वहाँ से पलट गया जब उसे पीछे से ज़यार की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी, वो उसके रूबरू रुक कर कहने लगा। आलिम ने एक नज़र अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ जैसे कह रहा हो वक्त नहीं है जल्दी करो। मैंने तुम्हें रूहान से मिलने से मना किया था लेकिन तुम बाज नहीं आई। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ आलिम सुल्तान शाह, रूहान का तुमसे या तुम्हारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक, खून का ताल्लुक है ज़यार सिकंदर शाह, उसकी और मेरी रगों में एक ही खून बहता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं उससे मिलूंगा और सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि स्नेहा से भी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम मेरी बहन को मुझसे छुपा लोगे ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे बहन भाई बहुत जल्द मेरे साथ होंगे और रूहान तो अब मेरे साथ ही है। तुम लोगों की झूठी मोहब्बतों के दिखावे भी उसे रोक नहीं पाए, वो बिदक कर बोला। तुम लोगों की सच्ची मोहब्बतें भी 17 साल पहले जाहिर हो चुकी हैं आलिम सुल्तान शाह, रूहान और स्नेहा से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक खरीद कर या फिर उसके सामने किसी पर 10 लाख का चेक फेंक कर तुम उसे अपनी तरफ कर लोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है और कुछ नहीं। रूहान को लालच देकर तुम उसकी सारी ख्वाहिशात को तो पूरा कर लोगे लेकिन उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं जगा पाओगे, क्योंकि जो मोहब्बत तुम जगाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत की है। वो तुम्हारे साथ इसीलिए अटैच हो रहा है क्योंकि तुम उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हो, इसलिए नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। आज तुम उसकी ख्वाहिशात पूरी करने से इनकार कर दो, कोई मोहब्बत नज़र भी नहीं आएगी। ज़यार ने उसके सामने हकीकत का आईना रखा था। उसके अंदाज पर आलिम सुल्तान शाह मुस्कुराया था क्योंकि वो उसके इरादे जान चुका था और रूहान के सामने उसकी पसंद की हर चीज़ रख कर उसे बड़ी हवेली वालों से दूर कर रहा था। उसकी ख्वाहिशात को पूरा करके वो उसे सफदर शाह के इतना खिलाफ कर चुका था कि अब वो अपने बाप का नाम तक लेने को तैयार नहीं था। आलिम यही चाहता था कि बड़ी हवेली वालों की हकीकत रूहान और स्नेहा के सामने आ जाए और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। रूहान को लगता था कि आलिम को उसकी रूटीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी ना था कि आलिम उसके लम्हे लम्हे से वाकिफ़ है। तरीका कोई भी हो ज़यार सिकंदर शाह, लेकिन अपने भाई को मैं तुम लोगों से बहुत दूर कर दूंगा। और जहां तक बात है स्नेहा की तो तुम शायद तुराब हैदर शाह को भूल चुके हो। तुम रूहान को हमसे दूर कर सकते हो लेकिन तुराब हैदर शाह अपनी मिल्कियत कभी नहीं छोड़ता, याद रखना। उसके चेहरे का रंग उड़ता देख आलिम सुल्तान शाह के चेहरे पर तबस्सुम बिखरा था। वो मुस्कुराकर उसका रास्ता छोड़ता आगे बढ़ गया। सफदर शाह इस मुल्क के सबसे बड़े और मशहूर एडवोकेट में से एक है। आलिम सुल्तान शाह तुम बेफिक्र हो जाओ, वो अपनी बेटी स्नेहा सफदर शाह को इंसाफ खुद दिलाएगा, ज़यार के अल्फाज ने उसके कदम जकड़ लिए। उसने पलट कर देखा, उसके चेहरे की दिलकश मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ ज़यार, क्योंकि तुम तुराब हैदर शाह को नहीं जानते। तुम उसे दुनिया के आखिरी कोने में भी छुपा लो, 7 आसमानों या 7 ज़मीनों में कहीं गायब कर दो, या बेशक उसे किसी दूसरे प्लैनेट पर भेज दो, वो ढूंढ निकालेगा। तुम्हारा वकील एडवोकेट सफदर शाह तुराब हैदर शाह की मलकियत छीन नहीं सकता। उसके अल्फाज ने नहीं लेकिन मुस्कुराहट ने ज़यार को ज़रूर आग लगाई थी। वो मुट्ठियाँ भींच कर अपना गुस्सा कंट्रोल करता रहा। ज़यार सिकंदर शाह गुस्से का तेज़ ज़िद का पक्का इंसान था, लेकिन आलिम सुल्तान शाह लोगों की ज़िद और गुस्से को आग लगाने में माहिर था। शाह जी, आपको नई खबर पता चली, राशिद उसके साथ साथ चलता हुआ बोल रहा था। आलिम का मूड आज काफ़ी अच्छा था। ज़यार को आग लगाकर उसे हमेशा से बहुत सुकून मिलता था। कौन सी खबर की बात कर रहे हो? वो खेतों के बीच से गुजरता अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब राशिद ने पुरतजस्सुस अंदाज में उससे बात शुरू की। शाह साहब, आपको नहीं पता क्या, इस बार ज़यार शाह इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल आपके सामने, आपके मुकाबले में। इस बार उनका इरादा गाँव की कुर्सी संभालने का है। उनके कानों में ये खबर लग चुकी है कि इस बार आप भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, बस फिर क्या था, वो भी खुद पड़े मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। राशिद का अंदाज बिल्कुल फसादी औरतों जैसा था, लेकिन आलिम को उससे बात करने में हमेशा ही बहुत मज़ा आता था और आज उसकी खबर पर तो उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी।
मतलब अब मुकाबले में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। खेल मज़ेदार तब होता है जब सामने वाला खिलाड़ी आपकी टक्कर का हो। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला तो राशिद ने हैरानगी से देखा और फिर बेढंगे अंदाज में हंसने लगा। इतनी कहाँ औकात आपका मुकाबला करने की, बस इलेक्शन में कूद कर अपनी बेइज्जती करवाएंगे क्योंकि पूरा गाँव तो आपके साथ है। वो गाँव के पास पहुँचते हुए बोला तो आलिम ने मुड़ कर उसे देखा। हकीकत का साथ दिया करो राशिद, मुझे चापलूसी करने वालों से सख्त नफरत है, खबर देते रहना। वो इस अंदाज़ में बोला कि राशिद नज़र झुका गया और आलिम अपनी गाड़ी उड़ाता हुआ वहाँ से ले गया, जबकि अब वहाँ पर ज़यार की गाड़ी नहीं थी क्योंकि ज़यार का इरादा अभी गांव में थोड़ी देर रहने का था, इसीलिए उसकी गाड़ी वहाँ से बड़ी हवेली पहुँचा दी गई थी। दरिया की सफाई ठीक से करवा दी थी ना? वो मुंशी जी के साथ चलते हुए दरिया देखने आया था जिसकी सफाई का उसने कुछ दिन पहले ही ठेका दिया था। जी छोटे शाह जी, दरिया तो मैंने ठीक से साफ़ करवा दिया था, लेकिन मुझे तो ये पैसों की बर्बादी ही लगी, क्योंकि एक महीना नहीं गुजरेगा ये फिर से गंदा हो जाएगा। आप हर बार इतने पैसे खर्च करके इसे साफ़ करवाते हैं और लोगों को बस गंदगी फैलाना ही आती है। मुंशी जी भरे बैठे थे, उनके अंदाज़ पर नरमी से मुस्कुरा दिया। वो उनका गुस्सा भी जायज़ था। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ मुंशी जी, लेकिन अगर गांव का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत दरिया इस तरह से गंदा होगा तो गांव वालों के लिए मुश्किल होगी और बीमारियां भी फैलेंगी। इस दरिया का बहता पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना गांव वालों के लिए परेशानियों में इजाफा हो जाएगा। वो दरिया का ठंडा पानी हाथों में महसूस करते हुए अपनी कमीज़ उतारने लगा। मुंशी जी मुस्कुरा दिए। वो बचपन से ही इसी दरिया में नहाने के लिए आता था, उसे यह दरिया बेहद पसंद था। गांव में ये जगह उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। वो जब भी यहाँ आता था इस दरिया के ठंडे पानी में ज़रूर नहाता था, और यही वजह थी कि इसकी सफाई का ख्याल भी वह खुद रखता था। वो अपनी कमीज़ और ज़रूरी सामान पास रखे पत्थर पर रखता मुंशी जी को जाने का इशारा कर चुका था। वो कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था। मुंशी जी हाँ में सर हिलाते उसे खुदा हाफिज़ कहते अपने काम के लिए निकल चुके थे। वो इस ठंडे पानी को महसूस करता उसकी गहराई में जाना चाहता था। वो पानी के अंदर तक जाता था। बचपन में उसका शौक हुआ करता था कि वो सिक्के फेंक कर ढूंढने जाता, और जब तक उसे सिक्का मिल नहीं जाता वो वापस ऊपर नहीं आता था। उसकी माँ तो घबरा जाती थी कि कहीं उसके बेटे को अंदर कुछ हो ही ना जाए, लेकिन वो इस खेल में माहिर था। वो काफ़ी देर से इस पानी को महसूस कर रहा था। दो बार बाहर आकर उसने गहरा सांस लिया, लेकिन अभी तक उसका दिल नहीं भरा था, इसीलिए एक बार फिर से उसकी गहराई में उतर कर महसूस करने लगा। लेकिन इस बार जब वो पानी के ऊपर पहुँच कर गहरा सांस लेने लगा तो उसे खुद पर कोई पर्दा सा महसूस हुआ। आंखें खोल कर देखा तो किसी का दुपट्टा उसके चेहरे के साथ कंधों पर भी फैला हुआ था। बहती दरिया में सफ़ेद रंग का ये दुपट्टा उसे परेशान कर गया था। उसने दरिया के चारों तरफ मुड़ कर देखा तो थोड़े ही फासले पर उसे सफ़ेद फ्रॉक में एक लड़की नज़र आई, जो उसे देखते ही चेहरा मोड़ गई, हाथ सीने पर बांधे। शायद वो शर्म के मारे उधर नहीं देख पा रही थी। पास रखी बाल्टियों से वो समझ गया था कि वो दरिया से पानी भरने आई थी। वो अपना रुख उसकी जानिब करता तैरता हुआ पानी से बाहर निकला। अपने कंधों पर फैला हुआ दुपट्टा कुछ फासले पर खड़ी उस दोशीज़ा की जानिब किया। वो उसकी जानिब देख नहीं रही थी, लेकिन अपनी पुश्त पर वो उसे महसूस कर चुकी थी। ये लो तुम्हारा दुपट्टा, और आइंदा एक बात याद रखना, एक औरत के लिए उसके सर की चादर से ज़्यादा अहम और कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो वो भी समझ गया था कि यकीनन पानी भरते हुए उसका दुपट्टा दरिया में बह गया, जिसे वो संभाल नहीं पाई होगी। उसकी बात सुनकर वो बोली कुछ नहीं, लेकिन उसने ज़रा सा चेहरा मोड़ कर देखा। ज़यार दूसरी तरफ मुँह किए दुपट्टा उसकी तरफ कर चुका था। इससे पहले कि वो दुपट्टा पकड़ती, दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, पाजेब जल्दी कर, मेहमान आ गई हैं, इतना वक्त लगा दिया पानी भरने में, तेरी ताई गुस्से से पागल हो रही है। इस आवाज़ पर बौखला कर वो कुछ फासले पर उसे देखने की बजाय सामने रखी बाल्टियां उठाती वहां से भाग गई। उसके भागने पर ज़यार उसकी तरफ देखने लगा। कुछ फासले पर जाकर उसने मुड़ कर देखा, ज़यार भी उसी की जानिब देख रहा था। वो नज़रें झुका गई, शायद उसे शर्टलेस देख कर वो घबरा रही थी। वहीं रुक जाओ, मैं उठा लूँगी, वो जाते हुए कांपती आवाज़ में बोली। शायद वो उससे खौफ ज़दा हो गई थी, और फिर वो भाग गई। जितनी वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसकी आवाज़ थी।
ज़यार को लगा जैसे वो इस आवाज़ और इस लम्हे में कैद हो गया हो। उसकी निगाहों ने उस मंज़र को बस आँखों से दिल में महफूज कर लिया था। उसने दुपट्टा पास बड़े से पत्थर पर फैलाना चाहा, लेकिन फिर उसका दिल नहीं माना। न जाने क्या था इस लम्हे में जिसमें कैद होकर ज़यार ने उसका दुपट्टा अपने हाथ पर बांधा और फिर दरिया में तैरता दूसरी जानिब अपने सामान के पास चला गया। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वॉज द एंड ऑफ एपिसोड 1 ऑफ द नॉवल जुनून इश्कम। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। अल्लाह हाफिज़।